खंड वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में डिस्कस करते हैं जनरल स्टडीज पार्ट नंबर 19। ये जनरल स्टडी में झारखंड इंक्लूड नहीं होता है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन झारखंड का स्टेटिक क्वेश्चन देखेंगे, प्लस में करंट अफेयर का भी कुछ क्वेश्चन डाला गया है, क्योंकि करेंट को आप लोग इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, यानी कि अथवा में लेकर नहीं चल सकते हैं। तो इसका नाम है पीएससी सीरीज दे दिया हूँ, तो यह पार्ट नंबर 19 है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो कनेक्ट वहाँ पर रहे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूँ। सारा क्वेश्चन एमसीक्यू और वन लाइनर के फॉर्मेट देखने को मिलेगा। करंट अफेयर को वन लाइनर के फॉर्मेट में डाला गया है। वीडियो का टाइमिंग ऑन एंड अराउंड 2 बजे होता है, तो इसके आसपास आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही फ्रूटफुल और उम्दा डिस्कशन रहने वाला है, छोड़कर मत जाइएगा। ओके, अब छोड़ के जाना होगा तो कभी विजिट कर लीजिएगा, टाइम मिलेगा तो पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। साउंड में एज जैसा कि पहले बताया था, प्रॉब्लम है, अभी भी है, थोड़ा चेंज नहीं हुआ है, इसको मैनेज करके चलना है। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग स्कीम्स इज नॉट रिलेटेड टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट। वर्तमान समय जो जो क्वेश्चन आया हुआ है, जिस एग्जाम में मेंशन किया हुआ, बगल में देखते रहिएगा। तो जो कौन सा योजना है जो वर्तमान सरकार का नहीं है, अमृत लिखा हुआ है, AMRUT, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन लिखा हुआ है, आयुष या फिर जनधन योजना। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आयुष ना। तो आयुष पहले से ही चला रहा है, अभी गवर्नमेंट जो है से इस पर काम भी कर रही है बाद में। तो आयुष का मतलब होता है, देखिएगा, आयुर्वेदा होता है, फिर होता है यूनानी, उसके बाद सिंधा और फिर होम्योपैथी। ठीक है, तो AY4 आयुष हो जाता है, फिर यूनानी, सिंधा और होम्योपैथी। होम्योपैथी के जनक पता है ना, सैमुअल हनीमन जर्मनी के थे, तो आपको याद होगा। होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं बताइए। आयुर्वेद के जनक आप लोग धन्वंतरी को बोलते हैं ना, देख लीजिएगा। अमृत स्कीम देखिए होता है इसके लिए, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है ना, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यही है फुल फॉर्म इसका। स्वच्छ भारत मिशन आप लोग शुरू किए थे 2 अक्टूबर 2014 को, इस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जनधन योजना शुरू किया गया था 28 अगस्त, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, 2014 को शुरू किया गया था जनधन योजना। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका पर्पज़ था, जनधन योजना। कहने का तात्पर्य है कि लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाना है। तो सारा चीज़ हो गया। तो वर्तमान समय में, अभी देखिए, वर्तमान समय कहने का सेंस है 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, और कॉमन सेंस होना चाहिए कि 2014 में जो है इंडिया गवर्नमेंट आए थे, ठीक है, बीजेपी लेड और जो अलायंस था, तो 2014 में आए, तो 2016 में पूछा गया, तो अभी भी उसी का गवर्नमेंट है, तो आप लोग को सब समझ में आना चाहिए। आयुष इसका सही आंसर हो गया, आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, देख लीजिएगा, पहले से है। 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। महात्मा गांधी से रिलेटेड है स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, बाकी चीज़ बता दिया। ये जो होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है आप लोग बताइए। मोटर स्किल्स आर एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। मोटर स्किल्स जो है से ब्रेन का किस पार्ट से बिलोंग करता है। मोटर स्किल्स अगर होता क्या पहले, तो इस टर्म को समझना जरूरी है, तब जाकर क्वेश्चन पढ़ाएंगे। मोटर स्किल्स होता है कि जैसे माइंड में आप लोग कुछ काम करना है, जैसे कि मैं अभी मान लेते हैं पेन से कुछ लिख रहा हूँ, तो ब्रेन का मेरा कौन सा हिस्सा है से एक काम कराने के लिए वहाँ से ऑर्डर दे रहा है, उसी को मोटर स्किल्स कहा जाता है। ठीक है, कोई भी बॉडी पार्ट्स को मूव करना है तो कौन वहाँ पे काम कर रहा है उसी को मोटर स्किल्स बोलते हैं। ठीक है, तो मोटर स्किल्स आर एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। फ्रंटल लोब, पेरिनियल लोब, टेम्पोरल लोब या फिर ओसिपिटल लोब। इसका आंसर हो जाएगा फ्रंटल लोब ना। फ्रंटल लोब जो है यही जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है आपके लिए जो मोटर स्किल है इसके लिए। देख लीजिए क्वेश्चन ऐसे से सीजल में आया हुआ है ना, तो लालाट का भाग आगे वाला हिस्सा या जो होता है से आगे का पार्ट होता है। ठीक है, ब्रेन का इसको देख लीजिए, यहाँ पे ब्रेन का है तो यही फ्रंटल लोब है, सामने का पार्ट होता है यहाँ से इधर। ठीक है, ये सामने का पार्ट होता है। ठीक है, अब ये जो है से याद रख लीजिएगा, ये जो है आपका सेरेब्रम का पार्ट है, सेरेब्रम का पार्ट है, यह जो है लार्जेस्ट पार्ट होता है ना। अगर पूछेगा कि ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो सेरेब्रम आंसर, सेरेब्रम और सेरेबेलम में अंतर है ना, इसको देख लीजिएगा। सेरेबेलम है यहाँ पे, सेरेब्रम होता है, तो सेरेब्रम वाला पार्ट को बोल रहा हूँ कि लार्जेस्ट होता है, देख सकते हैं इस वाला पार्ट को यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये वाला पार्ट, समझ गए। तो यही सारा है, बाकी तो स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ से अटैच है, पता होगा। बाकी एक बॉडी में होता है और जो हाइपोथैलमस है उसको याद रखिएगा, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम है हाइपोथैलमस को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब ब्रेन में पाया जाता है, और ब्रेन में तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पाया जाता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको थर्ड आई के नाम से भी आप लोग जानते हैं। बाकी मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, सॉरी साथ गड़बड़ हो गया, पीनियल ग्लैंड को जो है से, पीनियल जो ग्लैंड है उसको थर्ड आई बोला जाता है, और जो मास्टर ग्लैंड है उसको आप लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, जो मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, जो पीनियल ग्लैंड है उसको बोला जाता है द थर्ड आई,
और ये जो पीनियल ग्लैंड है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है बॉडी में ना, देख लीजिएगा। और लार्जेस्ट तो आपको पता होगा लीवर बोला जाता है। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, बोला जा रहा है प्रोटोजोआ तो पढ़े होंगे, तो प्रोटोजोआ को छोड़कर कौन सा ऐसा एंजाइम है जो सब में पाया जाता है, बस प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता है? तो वह एंजाइम का नाम है एमाइलेज। इसको याद रखिएगा, एंजाइम जो होता है एक तरह का केटालिस्ट होता है, एक तरह का बोले तो बायोलॉजिकल केटालिस्ट होता है। तो बायोलॉजिकल केटालिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम्स। तो अमाइलेज जो होता है ना, जो होता है से प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ यही एंजाइम है जो प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता है। बाकी जितना भी आप लोग किंगडम देखेगा एनिमल का बोले तो 10 किंगडम आपको बताया था, पोलिफेरा, सिंट्रेटा, एनिलेटा, मोलस्का, ये सब मैमल्स, बर्ड्स, तो ये तो 10 था। और बाकी प्लांट में जितना भी देख लीजिएगा, सब में जितना भी अगर बोला जाए, यहाँ पे एनिमल्स के बारे में बात किया जा रहा है, तो सब में जो है से पाया जाता है, एमाइले जो है से प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता है। प्रोटोजोआ कोई देख सकते हैं इस तरह का है। दो चीज तो आप लोग नाम सुने होंगे, एक पैरामीशियम का नाम सुने होंगे, यूग्लिना सुने होंगे, और अमीबा तो ऑब्वियसली सुने ही होंगे। तो सब कुछ आपको प्रोटोजोआ देखने को मिलेगा। एंट अमीबा तो पता है ना डायसेंट्री का कारण होता है, तो उसको याद रखिएगा। और बाकी प्रोटोजोआ से रोग होने वाला है आपका मलेरिया, ये भी है। प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स होता है, इसको याद रखिएगा, पी वाइवेक्स जो है से इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब यही रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए, आरबीसी को अफेक्ट करता है यह, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पी वाइवेक्स जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है, तो इसको याद सकते हैं। बाकी एक प्लाज्मोडियम से होने वाला रोग और है, जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस ना, सीसी फ्लाई के चलते होता है, इसको देख लीजिएगा, वही लेकर उड़ता है इसको। आंसर इसका माइलेज हो गया, सब चीज़ डिटेल में समझा दिया तो समझ में आ चुका होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन चलते हैं 4 पर। एट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड्स, अब बताना है कि जब बॉइलिंग पॉइंट होता है, कहने का मतलब जब आप लोग कोई बीकर है उसमें वाटर भरा हुआ है, अंदर यहाँ से नीचे से आप लोग हीट कर रहे हैं, और हीट करने के उपरांत क्या है से इसका पानी जैसे उबलने लगा, ठीक है, या वेपर में कन्वर्ट होने लगा, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इस समझ लीजिए कि जब बॉइलिंग पॉइंट होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है इंक्रीज करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, या फिर वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसके पीछे का रीजन समझिए कि आप लोग सोच रहे होंगे कि जब पानी को हम लोग गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर देने पर टेम्परेचर इसका बढ़ क्यों नहीं रहा है, इसको कॉमन क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। तो टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर आप लोग दे रहे हैं वो यूज हो जा रहा है तुरंत से इसको वेपर बनाकर उड़ाने में, समझ में आ गया, इसीलिए इसका टेम्परेचर नहीं होता है। तो एट द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड्स, ओके, और टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, समझ गया, समझ गया, ठीक है, आदत पड़ गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी टेम्परेचर का साइन क्या होता है, टेम्परेचर का साइन यूनिट केल्विन होता है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। बाकी केल्विन और जो फारेन जो सेल्सियस और फारेनहाइट में रिलेशन है उसको याद रखिएगा। जेपीएससी या अदर एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, चार ऑप्शन डाल देंगे, बोलेंगे कि बताइए। तो अगर फारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस पर कन्वर्ट करना हो तो 9/5°C+32 होता है, देख लीजिएगा इसको रिलेशन को, एप्टीट्यूड तो उतना रहता है ये स्ट्रॉन्ग, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ओके। तो आंसर इसका सी हो गया, बाकी सब चीज़ बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट है सब भैया। चलिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, बोला जा रहा है कि अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये भी 2016 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आया था, मैं इसको थोड़ा टफ बना दिया हूँ, जेपीएससी लेवल का ना, उसमें अलग अलग आया था, मैं इसको ऐसे बना दिया हूँ, लेकिन दोनों को दोनों स्टेटमेंट आया हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी इज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, बोला जा रहा है कि जो मौद्रिक नीति होता है जो कि आरबीआई का होता है, इसका मूल उद्देश्य क्या होता है कि मूल स्थिरता को बनाए रखना है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, क्या सही स्टेटमेंट है? दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है फिस्कल पॉलिसी इज टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी एंड टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी, यानी कि जो वित्तीय नीति है जो कि गवर्नमेंट का होता है फिस्कल पॉलिसी, तो जो वित्तीय नीति है उसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहन करना और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना। बहुत रोजगार के अवसर को बढ़ावा मिल रहा है, फॉर्म आ गया है 20 के, और भी फॉर्म आया है तो सब भर लीजिएगा आप लोग, ओके। झारखंड में भरोसा मत कीजिएगा, ठीक है, सब पढ़ाई करते चलिए, जो भी हाथ में आए उसको ले जाना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो अब बताइए कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, और दूसरा स्टेटमेंट भी कोई गलत नहीं है, यानी कि गलत पूछा है तो नाइदर वन नोर टू चला जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बहुत मत लगा चलाएगा इनकरेक्ट यहाँ पे पूछा है, ठीक है, तो इस तरह से आपको बना लेना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा याद रखिएगा, आरबीआई का होता है, और एक ओपन एंड मार्केट ऑपरेशन,
ओपन मार्केट ऑपरेशन ये भी आरबीआई का होता है, जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज होता है उसको सेल करने का काम इसमें किया जाता है। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में, पहले इसके चेयरमैन देखने को मिले थे गवर्नर आरबीआई के, वो थे सर ऑसबर्न स्मिथ जो कि एक अंग्रेज थे। बाद में फर्स्ट जो इंडियन गवर्नर बने थे उनका नाम था सी डी देशमुख, इसको याद रखिएगा। जो आरबीआई का सपना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, और एक बुक जो बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, जो कि इस मतलब कहिए कि आरबीआई को बनाने में उसका काफ़ी योगदान रहा है, हुआ है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी बाय बी आर अम्बेडकर। ओके, नेक्स्ट आता है फिस्कल पॉलिसी के बारे में, या बजट ऐसा बोलिए या फिर इकोनॉमिक सर्वे बोलिए या फिस्कल पॉलिसी, ये सारा गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार का होता है, वो आरबीआई अलग है। ओके, बैंकों का बैंक है, सबका बैंक है। तो ये जो होता है से गवर्नमेंट का होता है। बजट जो होता है, बजट अगले साल के लिए होता है, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है प्रीवियस ईयर के लिए होता है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। आंसर इसका डी हो गया, सब चीज़ बता दिया, देख लीजिएगा। बाकी बजट जो है आर्टिकल 112 मेंशन है ना, बजट एक फ्रेंच वर्ड है, इसको देख लीजिएगा, फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय, यहाँ पे चेयरमैन के बारे में बात किया जा रहा है, पब्लिक अकाउंट कमिटी यानी कि पैक के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, नाम सुने हैं इसका या नहीं सुने हैं? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा या द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बहुत लोग इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मार देंगे तो यह गलत हो जाएगा। अब खुद समझिए कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं? तो आते हैं 15 मेंबर आते हैं लोकसभा से आते हैं, और 7 मेंबर आते हैं राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा जो हाथ होता है ना वो होता है लोकसभा का। तो यहाँ से ही मत समझ लीजिएगा कि ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यह किया जाता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वही जो है से पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है। यहाँ तक कि जो आप लोग इस्टीमेट कमेटी देखते हैं, पार्लियामेंट का सबसे बड़ा कमेटी यही होता है, इसमें 30 मेंबर पाए जाते हैं, और 30 मेंबर सारा का सारा लोकसभा से होते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 300 के 300 होते हैं आपको लोकसभा से ही। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, और बाकी इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको अलग अलग करके दे देंगे कि 15 लोकसभा से या फिर राज्यसभा से, या 7 लोकसभा से या 7 राज्यसभा से, ऐसे कन्फ्यूज करके देते हैं, तो 4 ऑप्शन बना के दे देंगे, पूछ कैसे भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको देख लीजिएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी का आंसर हो जाएगा सी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो संसद का सबसे बड़ा अगर पूछेगा कि कमेटी कौन सा है, तो वह एस्टिमेट कमेटी, मेंबर का संख्या होता है 30। ठीक है, बाकी राज्यसभा की जो राज्यसभा होता है, जो होता है कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है, यह जेसीसी शायद 2019 में क्वेश्चन आ चुका है ना कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है, कभी भी इसको डिजॉल्व नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, एक बात है, इसके 1/3 जो मेंबर होते हैं एवरी 2 ईयर्स रिटायर होते रहते हैं ना, इसको पढ़ा लिखा हाउस बोला जाता है, या 24 ईयर्स नहीं है, 2 ईयर्स है, तो 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, इसको देख लीजिएगा। बाकी भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, अभी इम्पीचमेंट आएगा तो वहां पे भी डिस्कस कर लेंगे। एक पॉइंट आपके लिए और है, देख लीजिएगा, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन होते हैं वो हमेशा अपोजिशन से बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों, इसका रीजन जानते हैं? जो स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होगा, बाकी नॉर्मल लोगों को पता नहीं रहता है कि आखिर अपोजिशन का बनाया क्यों जाता है। सोचिए कि अपोजिशन का बनेगा, इसका पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करता है, लेखा जोखा करता है, इसका नाम ही है लोक लेखा कमेटी, यानी कि अकाउंट रखता है सबका। तो अगर आपने क्या घर का ही मेंबर है, उसी का अकाउंट में अगर आपको चेक करने के लिए बैठा दिया जाए, यानी कि खुद का केस में खुद जज बन गए, तो बताइए कि जो है से जस्टिस होगा कितना अच्छा होगा। तो इसीलिए हमेशा अपोजिशन को बैठाया जाता है ताकि उन लोगों का टांग खींचा जा सके। ठीक है, इसीलिए कोई भी कंट्री हो वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का भी रहना बहुत जरूरी है। अगर अपोजिशन रहेगा, टांग खिंचाई करेगा, तो काम अच्छा से करेगा। ठीक है, उसी तरह से आप लोग सुबह में उठते नहीं है, मम्मी पापा रहते तो आराम से 5 बजे उठाते, और नहीं तो आराम से यहाँ रूम में आदमी लोग 8 बजे उठ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कहानी देखने को मिलेगा। अधीर रंजन चौधरी जो है से अभी वर्तमान में पैक के चेयरमैन है, इसको याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशियन इज, अब ये मैं बेस्ट क्वेश्चन है कि जो स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री है वह कौन है, 2016 का क्वेश्चन है तो अभी भी रिलेवेंट है। मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशियस या फिर मेडागास्कर, सही आंसर इसका मालदीव हो जाएगा। ठीक है, मालदीव जो है से इंडियन ओशियन में स्मॉलेस्ट कंट्री है। अगर करेंसी और कैपिटल देख लीजिएगा, जैसे कि पास्ट में पूछा जा चुका है, आपको आइडिया होगा कि मालदीव है, कैपिटल माले है, और यहाँ पे मालदीवियन रुपया चलता है, रुपया, और इसका करेंसी कोड भी देख लीजिएगा, जेसीसी जो है करेंसी कोड तक पूछी है। ये कौन सा पूछी है बताते हैं आपको, यहाँ पे
श्रीलंका वाला पूछिए, लंकन एल के आर है ना, लंकन रूपी, ये जो यहाँ पे डाला हुआ भी देख ले, देख लीजिए डाला हुआ भी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है जेएससी के एग्जाम में। श्रीलंका का देख लीजिए, कोलंबो है, सिज्जवर्धनपुरी कोटे भी बोलते हैं, पहले इसको सिलोन के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे रुपी चलता है और इसका लंकन रुपी करेंसी कोड है। मॉरिशियस में चलता है, इसका पोर्ट लुइस कैपिटल है, रुपी चलता है यहाँ पे, मॉरिशियस रुपी चलता है यहाँ पे। मेडागास्कर देखने को मिलेगा, यहाँ पे अंटाना नारियो है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मलागैसी ए आर देखने को मिलेगा, एरेरिया नहीं तो एम जी ए इसका हो जाएगा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, यहाँ से जब मैं पढ़ा रहा था तो आ गया कि वर्ल्ड का हिंदी का सेक्रेटेरिएट जो है सिर्फ मॉरिशियस में ही है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड का हिंदी सेक्रेटेरिएट, विश्व जो हिंदी सचिवालय है, उसका जो हेडक्वार्टर है मॉरिशियस में ही देखने को मिलेगा, सचिवालय, ठीक है, सचिवालय बोली हेडक्वार्टर बोली जो बोलना है। तो विश्व हिंदी जो सचिवालय है वो मॉरिशियस में लोकेटेड है। विश्व हिंदी दिवस आप लोग 10 जनवरी को मनाते हैं, और बाकी इंडिया में तो मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। 14 सितंबर को हाल ही में आप लोग धूमधाम से मनाए हैं, यही इंडियन ओशियन देखने को मिल रहा है, बाकी यहाँ पे सारा ओशियन देखने को मिल रहा है, अटलांटिक पैसिफिक, यहाँ पे आर्टिक और पैसिफिक, पैसिफिक, टोटल 5 ओशियन देखने को मिलेगा 7 कंटिनेंट में, जो कि लगभग 70% जो है से कवर करके रखे हैं अर्थ को ना। आंसर तो हो चुका है, सारा चीज डिस्कस हो चुका है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ होलैंड, होलैंड की करेंसी क्या है, एन, डॉलर, यूरो या फिर ड्यूचे मार्क, इसका आंसर हो जाएगा यूरो ना। तो होलैंड में जो करेंसी यूरो यूज होता है, जो आपको देखने को मिल रहा है ड्यूचे मार्क, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, ड्यूचे मार्क, कुछ कोई तो अभी भी ऐसा ऐसा मतलब नाम है ना कि प्रोनाउंस करने में आपको 2 दिन लग जाएगा, होगा भी नहीं, इतना टेढ़ा नाम होता है कुछ कोई, तो देख लीजिएगा इसको, देउस्चे मार्क नाम है इसका। ये जो करेंसी है ना, पहले जर्मनी में चलता था, बट अब जो है से जर्मनी जो है से इसको कर दिया है, इसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पहले जर्मनी चलता था लेकिन अब नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यही हो गया, हॉलैंड का करेंसी यूरो यहाँ पे यूज किया जाता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया ऑफ इट ज्योग्राफिकल एरिया, जितना भी झारखंड सॉरी इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका कितना परसेंट पर जो है से फॉरेस्ट है, 20, 22, 24 या फिर 26, आंसर इसका 22% हो जाएगा। तो 22% पर आप लोग फॉरेस्ट लगातार काटते काटते जा रहे हैं, आप लोग को पता होगा कि अगर ट्री आखिर यूज कहाँ करते हैं, आप लोग टिम्बर के लिए यूज करते हैं, जंगल में जो लोग रहते हैं वो अपना जो फूड के लिए या फिर बोलते हैं कि जो झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी लगाते हैं उसके लिए भी, यानी कॉटेज के लिए यूज करते हैं, समझ रहे हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं। प्लस में आप लोग जो पेपर होता है उसका लार्जेस्ट पार्ट जाता है, इसलिए पेपर को वेस्ट मत किया कीजिए, उसको सेल कर दिया कीजिए, रिसाइकल हो जाएगा। कहा जाता है कि अगर 1 टन पेपर बनाना है, 1 टन कहने का तात्पर्य है इट 1000 kg, तो 17 यानी कि फुल ग्रोन ट्रीज को काटना पड़ता है, 17 पूरा बड़ा बड़ा पेड़ को काटना पड़ता है, तब जाकर 1 टन कागज बनता है, तो सोच सकते हैं। तो आप लोग जो है अगर पेपर होता है तो उसको सेल कर दिया कीजिए, मेरे भी अभी नीचे आया था पेपर वाला, तो मैं सेल नहीं किया, अगली बार देखेंगे। बाकी पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया में जो फॉरेस्ट सर्वे किया जाता है, डेटा चेंज होता रहता है, इसको देख लीजिएगा, तो हर एक 2 साल के बाद डेटा अपडेट होता है, 1997 से यह डेटा अपडेट हो रहा है, और भी 2021 में जो है डेटा अपडेट हुआ था, वह भारत का 17वां जो था इंडियन बाइनियल फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट था, तो उसमें देख लीजिए 21.71% है लगभग, इतना तो लगभग मैं 22% लिख दिया था, इसका जियोग्राफिकल एरिया पे। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज पूछेगा तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में फॉरेस्ट है, वो ऐसे तो पूरा ज़्यादा सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, ठीक है, अगर यूनाइटेड जहाँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। बाकी सारा चीज़ डेटा वगैरह पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आप लोग एक बार विजिट कर लीजिएगा। ओके चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत, ध्यान से पढ़िएगा, ग्राम पंचायत के लिए पूछा है, सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा क्या है, बहुत लोग इसको गलत करेंगे, देख रहे हैं कहां पे आया हुआ है क्वेश्चन, 18 साल, 21 साल, 25 साल या फिर 30 साल, क्या आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 18 साल ना, कर लगा लीजिए, गलत हो गया, ऐसा इसीलिए हो क्योंकि ध्यान से देखिए, ग्राम पंचायत बोला है न कि ग्राम सभा, तो आंसर इसका बी होगा न कि ए, तो इस तरह से गलत करके मत आइएगा, लोग सोचते हैं कि 18 साल में ही हम ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ लेंगे और जो हमारा हो जाएगा या फिर सदस्य बन जाएगा, ठीक है, क्वालिफाई कर जाएंगे। 21 साल होता है ग्राम पंचायत का, हाँ, अगर ग्राम सभा के बारे में बात करें तो वहाँ पे 18 ही है, तो ग्राम सभा हो या वोटिंग एज हो उसका भी है आपका देखने को मिलेगा 18 ही। जो ग्राम पंचायत देखने को मिलता है, ग्राम पंचायत हो या फिर मेयर हो के इलेक्शन लड़ना हो तो वहाँ पे 21 साल होना चाहिए। ओके, पंचायत का बोला जाता है ना कि पंचायत के इलेक्शन लड़ना है तो कितना चाहिए,
तो पंचायत के इलेक्शन लड़ना है तो 21 साल चाहिए, ठीक है, तो वहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पंचायत हो या मेयर हो शहर में, तो वो देख लीजिएगा दोनों 21 होता है। 25 साल होता है विधायक लोग का, यानी कि अगर बोले तो MLA और MP, यानी कि सांसद और जो विधायक लोग हैं उनके लिए 25 है। प्राइम मिनिस्टर पूछेगा तो 25 ही बोलिएगा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 30 साल चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल चाहिए होता है राज्यसभा का, और इसमें लोकसभा का मेंबर बोलेगा तो भी 25 ही लगाइएगा, ठीक है। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 साल चाहिए होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो इसको देख लीजिएगा सारा। 18 हो गया, 21 हो गया आंसर इसका, देख लीजिएगा, मैच कीजिए जरा, देखते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, या JSSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए टिक लगाइए जरा, देखते हैं। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है, कप है और किस फील्ड में दिया जाता है, किस स्पोर्ट में दिया जाता है मैच किया जाए। थॉमस कप है, फीफा कप है, फीफा को देखकर तो आराम से सब लगा लेंगे, अभी अंडर जो 17 है वो इंडिया होस्ट करने वाला है। तो डेविस कप और इजरा कप, तो इसको देखा जाए। थॉमस कप कहाँ चला जाएगा, थॉमस कप जाता है बैडमिंटन, ओके, तो वन का हो गया 5। फीफा कप कोई भी गलत नहीं करेगा, ये फुटबॉल होता है, रोनाल्डो का सब फैन है। और उसके बाद आगा कप आता है, यह हॉकी में दिया जाता है। उसका डेविस कप आप लोग को लॉन टेनिस में दिया जाता है, और जो इजरा कप होता है वो पोलो में दिया जाता है। इस तरह से कहाँ चला गया, ए का 5, बी का 1, सी का 4, सी का 4, डी चला गया डेविस कप 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, बाकी एक देख लीजिएगा। और जो नौकायन होता है, नौकायन का नाम सुने होंगे, उसमें वेलिंगटन ट्रॉफी दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस गेम में दिया जाता है, तो बोलना है नौकायन में, ठीक है, इसको देख लीजिए। देखिए, एक थॉमस कप भी होता है, एक उबेर कप भी होता है, दोनों बैडमिंटन में ही दिया जाता है। एक क्वेश्चन मेरा यह है कि थॉमस और उबेर, इसमें एक जो है से फीमेल के लिए है, एक मेल के लिए है, कौन मेल के लिए है, कौन फीमेल के लिए है, आंसर दिया कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और हाँ, अगर भारत की अगर बात करें तो सबसे पुरानी जो फुटबॉल प्रतिस्पर्धा है, यानी कि जो फुटबॉल टूर्नामेंट है, उसका नाम है डोरंड कप। 1888 में जो है से इसको खेला गया था शिमला में, ठीक है। शिमला कौन है, पड़ोस वाली नहीं, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला, कैप्सिकम, शिमला मिर्च। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच कंट्री इज नॉट इन G4 कंट्रीज। G4 कंट्रीज अभी देखिए वर्तमान में न्यूज में है, और अगर G4 कंट्री आखिर है क्या, इसका बनाने का पर्पस क्या है, अगर पता होगा तो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जर्मनी, ब्राजील, रशिया, इंडिया या फिर जापान, कौन इसका मेंबर नहीं है। तो देखिए, एक हिंट दूंगा, उसके बाद फिर से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। G4 जो मेंबर्स हैं या कंट्रीज हैं, ऐसे कंट्रीज को कहा जाता है जो कि परमानेंट सीट चाहते हैं यूनाइटेड नेशन में, ठीक है, चाहते हैं यूनाइटेड नेशन में। अभी 5 ही लोग हैं यूनाइटेड नेशन में, बताऊंगा बाद में, अभी आंसर पता चल जाएगा। तो 5 ही मेंबर है, तो ये लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी कोई सीट हो जो वहाँ पे परमानेंट सीट है उसमें, तो इसीलिए ये लोग जद्दोजहद करते रहते हैं, तो इसको लेकर यह बोला जाता है G4 कंट्री। तो अब समझ में आया कौन नहीं है, ऑब्वियसली समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत है। रसिया जो है से G4 का मेंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि रसिया P5 में आता है परमानेंट मेंबर में, UK, US, रूस, चीन, फ्रांस, ऐसे याद किया हूँ, UK, US, रूस, चीन, फ्रांस, तो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, पांडव हैं, और बाकी 10 मेंबर ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसमें अभी क्या इंडिया मेंबर है नॉन परमानेंट में, जी हाँ बिल्कुल है। तो इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर में है, अब ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वह 2 साल के लिए ही होते हैं, ज़्यादा दिन तक यहाँ पे नहीं होते हैं, पता चला कि एक और पॉइंट कर दिए और जीवन चला रहा है पार्लियामेंट जैसा, नहीं, आंसर इसका रसिया हो गया। बाकी एक क्वेश्चन मैं बहुत पहले आपसे कॉम्पिटेटिव टाइम में पूछा था, इसको बताइए, बहुत लोग गलत किए थे। जैसे देखिए, मैं पूछा था कि एक स्टेटमेंट था, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ RCEP, RCEP होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और दूसरा था इंडिया वाज नेवर अ मेंबर ऑफ RCEP, यानी कि इंडिया अगर मैं पूछूँ ईच, तो ये तो प्रेजेंट का है, यानी कि क्या अभी वर्तमान में है, और दूसरा था कि इंडिया जैसे कभी था ही नहीं। अब देखिए, इंडिया पहले था लेकिन अभी नहीं है, तो इस तरह से जो है से स्टेटमेंट क्या हो गया, पूछा था कि कौन स्टेटमेंट जो है से करेक्ट है, तो यहाँ से नीदर वन और नॉट टू लगाना चाहिए सबको। तो देखिए, बहुत 55% लोग जो है से बोले हैं कि ओनली टू, बताइए, इंडिया जो है से अभी RCEP से अपना पल्ला झाड़ लिया है, इसको याद रखिएगा, इसका मेंबर नहीं है,
अब ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि इंडिया बताइए कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर नहीं है। जैसे इंडिया G7 का मेंबर नहीं है लेकिन G20 में है, इसे पता होना चाहिए। सार्क में अभी जो सार्क में है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ। अच्छा, लास्ट वीडियो में ना भूल गया था उज्बेकिस्तान। एक स्टूडेंट बोल रहे कि सर उज्बेकिस्तान होगा, याद रहता है ब्रदर बट कभी कभी भूल जाता हूँ, तो देख लीजिएगा। तो सब ऐसा मत किया कीजिए, ध्यान से पढ़ा कीजिए। आंसर इसका सी हो गया, रशिया करेंसी रूबल यूज होता है ना। इन विच मूवमेंट वुमेन गेव वल्लभ भाई पटेल द मोनिकर सरदार। बोला जा रहा है कि कौन सा वो मूवमेंट था जिसमें वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया, द आयरन मैन ऑफ इंडिया को सरदार की उपाधि दिया गया था महिलाओं के द्वारा। कौन सा आंदोलन था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, बारादोली मूवमेंट या फिर होम रूल मूवमेंट। देखिए, यह मूवमेंट था आपका बारादोली सत्याग्रह। 1928 में इसको बारादोली सत्याग्रह किया गया था, ठीक है, बारादोली गुजरात। तो आइडिया हो गया। तो वहाँ पे महिलाओं के द्वारा जैसे इनको सरदार की उपाधि दिया गया था, बाकी इनको आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से। भारत के पहले होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर भारत के पहले थे। दूसरा बात, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी यही थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी यही थे प्रथम बार, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब इनका तो 182 मीटर का प्रतिमा भी आप लोग गुजरात में केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में लगा कर रखे हैं, ओके, नर्मदा रिवर पर। और ये जो है से आपको और कुछ बताना चाह रहा था, सर लगता है, हाँ, 31 अक्टूबर को आप लोग नेशनल यूनिटी डे भी मनाते हैं, इन्हीं का बर्थडे है। सारा चीज़ तो हो गया, बाकी देख लीजिए, चंपारण बारादोली हो गया, होम रूल मूवमेंट आया था चंपारण 1917 में आया था, होम रूल लगता है होम रूल मूवमेंट कब कब का था शायद भूल रहा हूँ अभी, छोड़िए इसको। बाकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 का था, और 1920 से 1922 तक चला था, उसके बाद 22 में चौरा चौरी काउंट हुआ था और उसके बाद इसको वापस ले लिया गया था, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। जो चंपारण मूवमेंट हुआ था 1917 में, इसके लिए महात्मा गांधी इसको लीड किए थे, तो वो जो है से राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था आफ्टर अफ्रीका, तो मतलब जब वहाँ से लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, उसके बाद, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। होम रूल मूवमेंट का पता नहीं, अचानक से माइंड से उतर गया। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बोला जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में है ना, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन आते रहते हैं आपसे। द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द POI शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है किसी भी सदन में आप लोग शुरू कर सकते हैं। ही कैन बी इम्पीच्ड फॉर द वायलेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, उसको उल्लंघन करने के जुर्म में उन पर जो है से महाभियोग आप चला सकते हैं। इम्पीचमेंट जो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वो आर्टिकल 61 के तहत किया जाता है, ओके, यह ऑप्शन नंबर सी है। या द इम्पीचमेंट मोशन कैन बी पास्ड बाई एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, कहने का मतलब है कि जितना हाउस का मेजोरिटी है, जितना भी उसका है सदन में लोग, उसका कम से कम 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, तभी उनको इम्पीच कर सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट गलत है बताइए? देखिए, ऑप्शन नंबर बी गलत है ना, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी जैसा कुछ नहीं बोला जाता है, यहाँ पे बात आता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि अगर संविधान का उल्लंघन कर देते हैं, कोई भी एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे संविधान में मेंशन है और उसका उल्लंघन कर देते हैं, तब जाकर आपको पता होना चाहिए कि ये जो है इनको हटाया जा सकता है। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और पार्लियामेंट का भी पार्ट है ये, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट जब मिलते हैं तभी जाकर आपका इंडियन पार्लियामेंट कंप्लीट होता है। बाकी कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जैसे देखिए कि जो इम्पीचमेंट वर्ड है ना, इम्पीचमेंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए यूज करते हैं, रिमूवल प्रोसेस किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है, तो ये आइदर हाउस में से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात है कि तो बता दिया कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के मामला को कोई भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन का मामला अगर उसका वायलेट करते हैं तो उन पर इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाया जा सकता है। जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, आर्टिकल 61 के तहत किया जाता है, लेकिन इनका जो अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 52 के तहत होता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक जो है से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मेंशन है। अब यह किस पार्ट में आएगा, याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? अब यह ऑब्वियसली पार्ट 5 में आएगा, कहिए कैसे, क्योंकि आप लोग तो पढ़े हैं ना, पार्ट 4 में 36 से लेकर 51 तक क्या है, DPSP है, 51 में मौलिक कर्तव्य है, 4A में आप लोग इसे पढ़ कर रखे हैं। तो उसके बाद 5th आया, समझ गए, तो पार्ट 5th में है,
तो 52 से लेकर 62 तक यही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन है, तो वही आर्टिकल 61 जो है से इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है। द इम्पीचमेंट ऑफ मोशन, और ये सही बात है, 2/3 मेंबर इसको साइन करना चाहिए तभी इम्पीचमेंट प्रोसेस होगा। और इम्पीचमेंट वर्ड जो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए यूज करते हैं, और भी कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए किया जाता है। बाकी वाइस प्रेसिडेंट के लिए रिमूवल वर्ड का यूज किया जाता है, इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं किया जाता है। ये सब पता रखिएगा, हो सकता है आगे चलकर आप लोग स्टेट पीसीएस या यूपीएससी दें तो एक पता होना चाहिए। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च सेमी कंडक्टर पॉलिसी इन जुलाई 2022, बोला जा रहा है कि वो कौन सा स्टेट है जो कि सेमी कंडक्टर पॉलिसी को लेकर आया है 2022 में, जुलाई 2022 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी कोई फर्स्ट टाइम होता है ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे वो कहीं भी पहला बार हो। ठीक है पहली बार पता है ना कितना इंपॉर्टेंट होता है, पहला चीज आप भुला नहीं सकते हैं। चलिए युवा युद्ध काफी समझदार है, गुजरात इसका आंसर हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। तो गुजरात हो गया, तो यह फर्स्ट स्टेट था जो कि सेमीकंडक्टर को पॉलिसी को लाया था। सेमीकंडक्टर का यूज आप लोग बहुत सारा डिवाइस में करते हैं, जितना भी कंप्यूटर है, चिप्स है, मोबाइल फोन है, इसके बिना बनना ही नहीं है। ठीक है, ये सब नहीं रहेगा सेमीकंडक्टर तो बनेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, इसको देख लीजिएगा। और बाकी अभी तो आंध्र प्रदेश से बताया था आपको, भूल गया, याद है शायद पिछला ही लेक्चर बताया था कि भारत का पहला लिथियम आयन ION होता है, लिथियम आयन सेल प्लांट यहाँ पे लगाया जाएगा। जबकि जो सबसे बड़ा जो आप बोलते हैं लिथियम आयन बैटरी प्लांट है वह गुजरात में ही है, ये सब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, आंसर इसका ए हो गया, गुजरात कैपिटल गांधीनगर है। चलिए जेपीएससी में आया हो कुछ क्वेश्चन है, तो जेपीएससी प्री का क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया हूँ, जब पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे लिख दूंगा कि जेपीएससी प्री का है। तो जेपीएससी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जरा, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर से करेक्टली मैच नहीं है। टोटल एरिया बोला जा रहा है इंडिया का जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इसका, 8° 4' नॉर्थ से लेकर 37° 6' नॉर्थ है, इसको डिग्री बोला जाता है, इसको मिनट और इसको सेकेंड बोला जाता है। उसका जो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो देख लीजिएगा, यहाँ पे सॉरी लैटिट्यूडनल था और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल है, यह 68° 7' ईस्ट से लेकर 97° 25' ईस्ट है। और उसके बाद नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया 26 है, तो ऑब्वियस ही बात है ऑप्शन नंबर डी उस समय भी गलत हो जाता है और अभी भी गलत हो जाएगा, ये पहले का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी वर्तमान में 28 स्टेट्स है न कि 26 या 27 या 29, समझ गए। ओके ना, तो यही सारा समझ लीजिएगा, 26 स्टेट भारत का छत्तीसगढ़ था, 27th उत्तराखंड था, 28th बना था झारखंड और 29th बना था तेलंगाना, तो ये सब कुछ पता होना चाहिए। 25वां स्टेट कौन था क्वेश्चन बताइए, समझ गए, तो इसको देख लीजिएगा, इतना सारा है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हम लोग पूरा वर्ल्ड में 7वां स्थान पे हैं, इसको देख लीजिएगा, 2.42% लैंड लिए है ना, 2.42% हमारा लैंड है, पूरा वर्ल्ड का इतना परसेंट लैंड है। यहाँ तक याद रखिएगा, जो झारखंड है आपका, जो स्पेशली आप तैयारी कर रहे हैं झारखंड का, तो उसका भी जो लैंड है ना पूरा इंडिया का 2.42% ही है एरिया वाइज, और एरिया वाइज झारखंड जो है 15वां स्थान पे है, पॉपुलेशन वाइज आप लोग 14 पे हैं। एक सेकेंड, एरिया वाइज जो है हम लोग या सही है एरिया वाइज 15th, पॉपुलेशन या ठीक है, फिर से अटेम्प्ट किया जाए, इसमें से कुछ रिवर्स है और वहाँ पे लोकेशन है। इंद्रावती रिवर बोला जा रहा है झारखंड में है, क्या ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा करेक्टली मैच है ना, क्या बोला याद नहीं है, देख लीजिएगा कौन सा जो है करेक्टली मैच है। भीमा बोला जा रहा तमिलनाडु में है, लूनी बोला जा रहा राजस्थान में, और घाट प्रभा जो है केरला में बोला जा रहा है, क्या सही है देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बाकी सारा का सारा गलत है। क्यों, इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में फ्लो करती है और यह जैसे गोदावरी रिवर यहाँ से निकलती है छत्तीसगढ़ से फ्लो करती है, और छत्तीसगढ़ की रिवर है, और इसको बस्तर डिस्ट्रिक्ट का ऐसा इसको लाइफलाइन बोला जाता है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट का इसको लाइफलाइन बोला जाता है, और यह छत्तीसगढ़ में है, इसको देख लीजिएगा, गोदावरी का इंट्रीब्यूटरी है कहने का तात्पर्य है। भीमा रिवर तमिलनाडु में नहीं है, भीमा रिवर आपको कर्नाटक में देखने मिला, ऐसे सिर्फ यहाँ पे नहीं है, कर्नाटक महाराष्ट्र में भी यह चलता है। उसके बाद लूनी तो आंसर हो गया राजस्थान, जो घाट प्रभा देखने को मिल रहा है ये भी कर्नाटक का ही है या, और दूसरा पॉइंट ए है याद रख लीजिएगा कि जो घाट प्रभा हो, आपसे पूछे क्वेश्चन, घाट प्रभा हो, माल प्रभा हो,
ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो कृष्णा का। दूसरा पॉइंट जो आप लोग को देखने को मिल रहा है भीमा रिवर, तो भीमा कृष्णा के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, कि कृष्णा लोग जो है भीम लोग को थोड़ा सहारा दे रहे थे। ओके, तो यहाँ से कृष्णा रिवर का ही सब ट्रिब्यूटरी है। नागार्जुन सागर डैम जो है वो भी कृष्णा रिवर पर है। कृष्णा नागार्जुन याद रख लीजिएगा, समझ गया, आंसर इसका सी हो गया, लूनी राजस्थान की रिवर है। क्वेश्चन कुछ और देखिए, नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट। बोला जा रहा है कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी और इंडियन ओशियन मीट करते हैं। तो देखिए वो पॉइंट है आपका कन्याकुमारी ना, इसको देख लीजिएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है ना, वह है इंदिरा पॉइंट, देख लीजिएगा, सबसे दक्षिणतम पॉइंट बोला जा रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे कन्याकुमारी एक ऐसा जगह है जहाँ पे तीनों, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी और इंडियन ओशियन, इंडिया जो है से क्या है, इंडिया जो है से एक पेनिनसुला है, आपको आइडिया होगा इंडिया जो है से क्या है, एक पेनिनसुला है। तो इंडिया पेनिनसुला तीन साइड जो है से वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुला बोला जाता है। तो तीन यही है ओशियन, देख लीजिएगा, सी जो ओशियन बोल सकते हैं, सारा सारा ओशियन नहीं है बट है एक जिसको इंडियन ओशियन है, वही सिर्फ ओशियन, बाकी सब सी में आता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी सबसे दक्षिणतम पॉइंट बोलेंगे तो इंदिरा पॉइंट लगा लीजिएगा। रामेश्वरम वही प्लेस है जहाँ से APJ अब्दुल कलाम निकल कर आए हैं ना, सोच लीजिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन और अभी तो बता दिया था कि जो इंडिया का रैंक है एरिया वाइज जो कहाँ पे है पूरा वर्ल्ड में, तो हो सातवां पे है, फर्स्ट पे रसिया आता है ना, फर्स्ट पे रसिया है, सबसे ज़्यादा उसका एरिया है। और रसिया एक यूरेशियन कंट्री है, यानी कि यूरोप में भी है और एशिया में भी है, इसलिए यूरेशियन कंट्री बोलते हैं। एशिया यूरोप को अलग करता है यूराल माउंटेन एंड रिवर। यही कुछ क्वेश्चन थे, स्टेटिक का था, कुछ आपको देखने को मिला होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मज़ा आ गया होगा आपको, इतना सारा नॉलेज मिल गया। अब चलते हैं कुछ स्टेटिक जो करंट अफेयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक देख लीजिएगा, एक रीजन है लुसांग नाम है इसका, और डोनेस्टाक, ये दो रीजन है और ये दो रीजन मिलाकर बनता है डोनबास, या डोनबास जो है से बोलता है, बोला जाता है कि यह जैसे रसिया जैसे ऑक्यूपाई कर लिया 2014 में ही। तो यूक्रेन का इशू चल रहा है और रसिया के साथ, आप लोग को बोला था कि यूक्रेन का जो कैपिटल करेंसी है आप लोग लिख दीजिएगा, तो आप लोग ने कोई नहीं लिखा, तो आज का क्लास में भी नहीं बताने वाला हूँ, आपको देखना ही पड़ेगा, बहुत लेजी हो गए हैं। तो लुसांग और जो डोनस्टेक है देख लीजिएगा, ये जो है से डोन्सबा बनाता है रीजन, अब ये आपको रसिया ऑक्यूपाई करके रखा है। एक कंपनी है यूनिपर कंपनी, यह ऐसे जर्मनी बेस्ड एक कंपनी है ना, देख लीजिएगा, जर्मन बेस्ड एक कंपनी है और यूरोपियन ऐसे एक गैस जाइंट है, गैस जाइंट कंपनी है, यानी कि GG, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, RM लोढ़ा कमेटी बहुत पहले कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2016 में, लेकिन अभी न्यूज में आया था। यह BCI में रिफॉर्म के बारे में बात करता है ना, सट्टेबाजी वगैरह चला था ना, याद है, तो वहाँ से काम किया था। BCCI के चेयरमैन अभी देखने को मिल जाएंगे सौरभ गांगुली, इनको देख लीजिएगा, सौरभ गांगुली अभी BCCI के चेयरमैन हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री डिसकंटिन्यूड 3 मेडल्स कंस्टिट्यूटेड इन 2003। देखिए जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है पुलिस के लिए, यहाँ पे तो कुछ चेंज करना होगा, PDF में कर दूंगा, पुलिस को दिया जाने वाला 3 मेडल था उसको जो है से डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा। अभी होम मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह के अंडर में है, ठीक है, सही बोल रहा हूँ जी? नहीं, होम मिनिस्ट्री अभी जो है आपको देखने को मिलेगा अमित शाह जी के अंडर में है, राजनाथ सिंह के अंडर में नहीं। PM केयर फंड का भी ट्रस्ट बनाया गया रतन टाटा को। PM केयर का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत न्यूज में चला था COVID-19 के टाइम में, इतना तो आइडिया देता हूँ, बताइए। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, तेलंगाना से निकल कर देख लीजिएगा, YSRCP देखते होंगे, YSR कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, फुल फॉर्म मैं भी याद नहीं करता हूँ, क्योंकि शॉर्ट में चलता है YSRCP। साउथ इंडिया से अगर कोई नाम अगर शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, तो समझ जाएगा कि उसका प्रोनाउंसिएशन आपसे नहीं होने वाला है, जैसे कि MVenkaiah Naidu, तो M का प्रोनाउंसिएशन आपसे नहीं होगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो अय्यर वाला डायलॉग सुने है ना, तो वही हो जाएगा। तो YSP जो है से चूज किया है, जो YS जगनमोहन रेड्डी है, ये CM है आपके तेलंगाना के, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है से लाइफ टाइम के लिए बने रहेंगे, तो इसको देख लीजिएगा। ये तेलंगाना के सॉरी, आंध्र प्रदेश के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, इंडियाज़ फर्स्ट सेंसस जो देख लीजिएगा कंडक्ट कराया गया था 1872 में, याद आ रहा है, भारत का पहला जनगणना कराया गया था 1872 में, अभी न्यूज में आया था, किसी कारण जनगणना को लेकर न्यूज में है, तो यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड मेयो, और लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनका हत्या समय ना मर्डर वो किया गया था इंडिया में, ठीक है। चलिए, कुछ तो आपने किया ना,
1872 में। बाकी यह नॉन सिंक्रोनस था, लेकिन पहली बार जो है से सिंक्रोनस ढंग से जब जनगणना चलते आ रहा था तो 1881 से जो है सिंक्रोनस मतलब क्रम अनुसार 10-10 साल के बाद जनगणना होता है। अभी जो भारत में जनगणना हुआ था जो 2011 का, वो भारत की 7वीं जनगणना थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, और ओवरऑल देखा जाए तो 15वीं जनगणना थी। जो 7वीं जनगणना थी, या बोल सकते हैं कि जो 15वीं जनगणना था, उसका थीम बताया था ना, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है, हमारे जनगणना हमारा भविष्य। और सेंसस आपको सेंट्रल लिस्ट में आता है 7th शेड्यूल में। बहुत सारा चीज़ बताते जाता हूँ, ध्यान से सुना कीजिए। और कुछ नहीं, बहुत हो गया। IOA फुल फॉर्म देख लीजिएगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन होता है, इसमें इंप्रूवमेंट करने की बात किया जा रहा है। इस पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है अभी हाल ही में, तो जो एलेन राव कमेटी के नाम से जाना जाएगा, तो जस्टिस एलेन राव की अध्यक्षता में जो है से इस कमेटी को बनाया गया है। इसमें जो है से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो संविधान है उसमें चेंज किया जाएगा ना, देख लीजिएगा। बाकी अभी जो इंडियन वुमेन जो क्रिकेट टीम थी, ODI सीरीज जीती है 2-1 से, वो 1999 के बाद जीती है इंग्लैंड को हरा कर ना। इसको देख लीजिएगा, ऐसे जोड़िएगा तो 23 साल हो जाएगा, 23 साल के बाद जीते हैं तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। और जो JCC का एग्जाम था उसमें बताया था आपको 10 करंट अफेयर, तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ना आपको क्रिकेट से दिखा था मैं, तो समझिए कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो यही आज का क्लास था, अभी खांसी थोड़ा ठीक नहीं हुआ है तो सॉरी फॉर दैट। तो वीडियो को बीच में रोकता हूँ ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है उसको सब कुछ करने में, इसे थोड़ा मैनेज कीजिए। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई को आगे लेकर चलना है, और आप लोग कंटिन्यू रहिए, वीडियो मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। सारा वीडियो को ना थोड़ा सा लाना दिक्कत हो जाता है, ओके, और सुबह में वीडियो नहीं आया था क्योंकि अब अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग डेली अगर इंग्लिश का डिमांड करते हैं वीडियो का, तो इंग्लिश तो आपका तो क्वालिफाई पेपर है, बस उसमें मार्क्स लाना है, तो ज़्यादा फोकस आपको नहीं लगता है कि करना चाहिए पेपर 2 और 3 पे, तो इसी करना चाहिए, तो पेपर 3 से रिलेटेड मटेरियल में अगर ज़्यादा प्रोवाइड करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ऐसे भी इतना सारा मैं आपको लेक्चर दे चुका हूँ ना, अगर SSC वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो अगर बोला जाएगा बहुत सारे मेंबर के द्वारा, तब जाकर एक नया चैनल शुरू किया जा सकता है, उस पर पढ़ाऊंगा, बट इस चैनल को नहीं करूंगा, या सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लिए ही रहेगा, ठीक है। तो इसी यहाँ की KU एग्जाम को फोकस करके इसको बनाया गया था चैनल को, तो सब चीज़ बात ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, वंदे भारतम, जय हिंद।